हाँ, कल की पीडीएफ है क्या संजय? इसमें कल की पीडीएफ पीडीएफ इसमें लग रही है कल की? कहाँ है? इसी में तो होगी अंदर एक? नहीं, जैसे कल हमने पीडीएफ बनाई थी अपन लोगों ने, वो पीडीएफ इसी में अंदर है ना? कहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स? इसमें है सुपर इंटरनल स्टोरेज में। किस नाम से है? किस नाम से डाली थी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से डाली थी ये रीने। ओके, हेलो, आवाज आ रही है कि? चेक करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों कैसे हो? बढ़िया हो तो खड़ा कर जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाली। आप बढ़िया कंटेंट आज आप पढ़ने वाले हो, एक्सीलेंट कंटेंट आप पढ़ने वाले हो, मजेदार कंटेंट आप पढ़ने वाले हो। सर ये सामने वाला लाइट ऑन कर दो। और आपको बहुत बढ़िया एक्सीलेंट कंटेंट के साथ, एक बार मैं कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, अगर कैमरे की कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो एक मिनट के लिए रुक जाइए, कैमरे की क्वालिटी मैं चेक कर लेता हूँ। कैमरे की क्वालिटी ठीक आ रही है क्या? एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट। अब ठीक आ रही है शायद, या अब ज्यादा आ गया? अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। चलो ओके, कैमरे की क्वालिटी भी अब ठीक हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हेलो सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं एक बार कल जो पढ़ाया था आपको रिपीट कर देता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कल जो हमने मेन मेन चीजें पढ़ी वो क्या थी कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। क्या नाम होता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अलावा हम इसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सिंटेक्स में हमने आगे पढ़ा कि भाई इसके अंदर दो चीजें होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट जैसा होगा बोलो वैसी ही क्या होगी? वर्ब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी कैसी होगी? आपकी प्लूरल। फिर हमने पढ़ा कि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम ये कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसके बाद हम आगे चलते, देखो मैंने यहाँ पर आपको सारी सिंगुलर वर्ब लिखा दी थी, सारी वर्ब प्लूरल लिखा दी थी, और आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्ब आती है वो भी मैंने लिखा दी थी। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स में मैंने आपको इनकी लिस्ट लिखाई कि ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं जिनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने इधर दिए थे। फिर अपन ने प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात की थी कि ये सारे सब्जेक्ट्स वी यू दे, प्लूरल नाउन्स, एक से अधिक संख्या वाले नाउन्स, मैनी, सेवरल, फ्यू, बहुत, ये सब क्या होते हैं? आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, अतः इनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल आती है। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे, वी, मैनी, बोथ, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देखे थे। फिर कल एक फैक्ट देखा था कि अपन डूडच का यूज कहाँ करते हैं। फिर हमने डूडच का यूज पता लगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डूडच का यूज करते हैं। फिर हमको पता लगा इज एम आर वॉज वर्ब का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैंने 3 तरह की पोजिशन आपको इज एम आर वॉज वर्ब की बताई, वर्ब फर्स्ट आई एन जी, बींग प्लस वर्ब थर्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों को मैंने बाई एग्जाम्पल्स आपको समझाया। फिर 3.2 में मैंने इजेमार वॉज वर्ब के साथ बींग प्लस वर्ब थर्ड बताया, और फिर इजेमार वॉज वर्ब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया, और लास्ट जो हमारा रहा वो रहा हैज ए वेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और आज जो हम पढ़ने वाले मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम नई शुरुआत करने वाले, आज से हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, आज से हम रूल्स पढ़ेंगे, और मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे, पूरे रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे। और आप तो खड़ा कर जुड़ जाओ, लगातार जुड़ जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ, और कमेंट्स जो भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट्स करो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, भूलना मत लाइक करना, क्योंकि जितने लाइव होते हैं उतने लाइक होने ही चाहिए। बिल्कुल पवनदीप जी, राजेश जी, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। तो अभी शुरू करते हैं मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, मेरे राजस्थान के वीर सपूतों, शुरू करते हैं। तो पहला जो अपना जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, पहले हेडिंग डाल दो आप, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, कॉन्सेप्ट डाल दो, रूल्स की जगह कॉन्सेप्ट लिखो, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, CONCEPTS, कॉन्सेप्ट, ये आपका सबसे पहले हेडिंग डलेगी। और बिल्कुल अब तैयार हो जाओ, बढ़िया से कमर कस लो, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट चालू होने वाले हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे देंगे, बहुत अच्छा समझा देंगे चीजों को, बहुत अच्छे से खोल करके विस्तार से आपको सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो चालू करते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर वन, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया डेकोरम के साथ आपके सामने लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर वन देखिए, ये कॉन्सेप्ट नंबर वन के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखना, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर दो नाउंस ध्यान से रखना, दो नाउंस जो सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर हैं, और दोनों का जुड़ाव अगर एंड या बोथ एंड से हो रहा हो, मतलब अपन ने दो नाउंस एंड से जोड़ रखे हो या बोथ एंड से जोड़ रखे हो। रामरेश जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को, मेरे साथियों को गुड इवनिंग। तो ध्यान से दोबारा सुन लेना, एक बार ध्यान से सुनना, अभी बाद में कमेंट्स पर बात करेंगे, पहले इस रूल को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, कि जैसे समझना है आपको, लिखना नहीं है अभी, कि एक सिंगुलर नाउन ये रहा, एक सिंगुलर नाउन कह दो या सिंगुलर सब्जेक्ट कह दो आप, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ओके, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये रहा, एक सिंगुलर ये रहा, हो सकता है इधर प्लूरल हो और हो सकता है उधर भी प्लूरल हो, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि इधर भी प्लूरल और उधर भी प्लूरल, दोनों जगह प्लूरल हो, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है क्या, कि दोनों ही एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, मतलब कुल मिलाकर नाउन कैसे भी हो, अपन इसको यूं भी कह सकते हैं, देखो दोबारा बोलता हूं, कि अगर मान लो इधर सिंगुलर हो और इधर प्लूरल हो, नाउन की या सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, और हो सकता है इधर प्लूरल सब्जेक्ट हो और इधर सिंगुलर हो, भाई कैसे भी तो हो सकता है, भाई कैसे, मैं समझाता हूं, देखो कि इधर आपका हो सकता है मोहन हो तो इधर सोहन हो, इधर हो सकता है बुक्स हो, बुक्स प्लूरल है, इधर पेन्स हो, PENS, हो सकता है इधर एक बुक हो और इधर बहुत सारे पेन्स हो सकता है इधर टेबल्स हो और इधर एक चेयर हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बहुवचन नाउन भी हो सकते हैं, ये एक वचन हो सकते हैं, ये बहुवचन भी हो सकते हैं, ये एक वचन भी हो सकते हैं, दोनों बहुवचन हो सकते हैं और दोनों एक वचन हो सकते हैं। और अगर वो एंड से और बोथ एंड से जुड़े हुए हैं, अगर वो एंड से, लिखना नहीं है आपको, अगर वो एंड से या बोथ एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से या बोथ एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी मेरे लाडलो, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा, एक बार डन कर देना, अगर बात समझ में आ गई तो डन कर देना, कि अगर दो नाउंस या दो सब्जेक्ट्स बोथ एंड या एंड से जुड़े हो, बोथ एंड और एंड, बोथ एंड या एंड से जुड़े हो, तो वर्ब हमेशा कैसी चलेगी, प्लूरल। आप 3 स्टार लगा करके इस रूल को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बढ़िया ढंग से 3 स्टार लगाइएगा, ये लीजिए, आप नहीं लगाओ तो क्या, मैंने लगा दिए 3 स्टार, ये देखो मैंने इस रूल पर 3 स्टार लगा दिए। आप बिल्कुल इस 3 स्टार रूल को अच्छे से याद कर लेना, फर्स्ट क्लास रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं कि यदि दो सब्जेक्ट्स SUBJECTS, यदि दो सब्जेक्ट्स किस किस से जुड़े हो, एंड या बोथ एंड से जुड़े हो, एंड या बोथ एंड से जुड़े हो,
जुड़े हों, एंड से जुड़ा हो या बोथ एंड से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा हमेशा प्लूरल होगी। तो वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। दिमाग में सेट रखना ये बात, क्या याद रहेगा कि नहीं, एक बार थम्ब अप कर दीजिए भैया, याद रहेगा कि नहीं? सभी लोग अपने अपने थम्ब अप कर दो, खटाखट खटाखट। क्या बात है, इधर से भी गजब तरीके से थंबनेल, थंबनेल और थम्ब अप, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। लाइक ज्यादा जरूरी है, ठोक दो लाइक खटाखट। लाइक्स और व्यूअर्स एक कर दो, सेम कर दो। ओके, अब अपन चलते हैं इसके एग्जांपल्स पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे, आपको क्वेश्चंस लिख रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए। तीन क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझने हैं। जैसे मैंने कहा कि रमेश एंड हिज मदर, रमेश एंड हिज मदर, रमेश और उसकी माँ डैश लिव ऑब्लिक लिव्स, लिव ऑब्लिक लिव्स इन यूरोप, इन यूरोप, EUROPE, यूरोप। बताओ इस सेंटेंस में क्या आएगा कि रमेश और उसकी माँ यूरोप में रहते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि बोथ बोथ प्रिया एंड, बोथ प्रिया एंड हर हस्बैंड, एंड हर हस्बैंड SUSBAND हैज ऑब्लिक हैव कंप्लीटेड दियर PhD, कंप्लीटेड कंप्लीटेड दियर दियर PhD या दियर मास्टर्स MASTERS, अपनी मास्टर्स उन्होंने पूरी कर ली है। एक तो ये हो गया सेंटेंस, और अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आप लिखना भी आपको साथ साथ। मैंने कहा कि इधर ले लो आपकी नवीन्स, नवीन्स भी नहीं, कुछ और सब्जेक्ट ले लो प्लूरल, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर, स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर TEACHER डैश इज ऑब्लिक आर ऑलवेज ऑलवेज द पार्ट, द पार्ट्स PARTS ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कि स्टूडेंट्स और उसका जो उनके जो अध्यापक होते हैं वो शिक्षा का भाग होते हैं। ये तीन सेंटेंस है, फटाफट फटाफट। शांतिलाल मीना जी क्या बात है, आपका आंसर देखते हैं, आपका आंसर बिल्कुल गलत निकल रहा है मेरे दोस्त। एक पहले में कोई ने इज बताया, कोई ने क्या बता रहे हो, एक बार पहले देखो रे भैया, देखो रे। कल मैंने आपको बताया था कि जिनके जिन क्रियाओं के अंत में एस आता है वो क्रियाएं सिंगुलर होती है, पहले ऐसा लगा लिया करो, ये सिंगुलर ये प्लूरल, ये सिंगुलर ये प्लूरल, ऐसे लगा लिया करो मेरे भाई, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा अभी, तुम सिंगुलर प्लूरल ही भूल जाते हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। शांतिलाल जी क्या कर रहे हो, ये क्या गड़बड़ कर दी आपने भाई, क्या गड़बड़ कर दी आपने ये। शांतिलाल जी सिंगुलर लगा दिया आपने वर्ब, यार प्लूरल लगानी है, बताओ प्लूरल कौन कौन सी होगी, सभी प्लूरल वर्ब ठोकेंगे। तो देखो यहाँ पर रमेश और इज मदर, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब कौन सी है इनमें से, लिव, तो यहाँ पर आंसर आएगा लिव। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, हाँ या ना। अच्छा इधर देखना, बोथ प्रिया एंड हर हस्बैंड, यहाँ पर बोथ एंड से जुड़े हुए हैं, ये बोथ जुड़ गया और ये एंड जुड़ गया, और यहाँ पर इधर प्रिया आ रही है और यहाँ पर उसके हस्बैंड आ रहे हैं, तो दोनों प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर भैया, हैव लगेगा, ध्यान से सुनना क्या लगेगा, हैव। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, हैव लगेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इधर देखना यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको, स्टूडेंट्स दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टीचर दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना, बोलो यस और नो, दिख रहे, तो आपकी ये वर्ब क्या है, प्लूरल आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल इनमें से आर। अब बताइए किस किस के सही है, जल्दी बताइए अब किस किस के सही है, सारे बिल्कुल, पवनदीप जी आपके बिल्कुल सही है, आराम आराम से आंसर दिया करो, भाग दौड़ मत किया करो। सर एक बार लाइव्स की संख्या दिखाना, बिल्कुल सही है आप, अब बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब एक काम करते हैं दोस्त, ये तो हो गया अपन का पहला कॉन्सेप्ट, पहला बढ़िया पैटर्न हो गया। अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर कौन से पर, अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है ना, सेकंड कॉन्सेप्ट। तो आज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नोट डाउन करवा देता हूँ कि अपन का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, ठीक है ना, अपना कॉन्सेप्ट क्या होने वाला, अपन का चलेगा कॉन्सेप्ट नंबर टू,
कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर टू में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ लेना कि एंड से जुड़े हुए कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं, एंड से जुड़े हुए कुछ कंपाउंड नाउन्स, मतलब कंपाउंड नाउन होते संयुक्त संज्ञाएं, एंड से जुड़ी रहती है, वो पेयर्ड होती है, और वो अब जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में आ जाती है सब्जेक्ट के रूप में, तो वो सिंगुलर वर्ब लेती है, दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। सर वो कौन कौन सी है ऐसी, चलो बताओ सर एक बार, कि पहले तो समझ लो आपकी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे देखो आपने सुना होगा कभी ब्रेड एंड बटर, सुना होगा ब्रेड एंड बटर, सुना होगा क्या, पहले सुन लो, लिख लो, लिखो मत अभी, ब्रेड एंड बटर ध्यान से सुनना। एक अपन ने सुना होगा राइस एंड करी, राइस एंड करी, सी यू डबल आर वाई। आपने सुना होगा कभी दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स फोर, सुना होगा आपने। आपने सुना होगा कि जैसे ब्रेड एंड बटर तो मैंने लिख ही दिया, एक है हैमर एंड सिकल, एच ए डबल एम ई आर, हैमर एंड सिकल, एस आई सी के एल ई, हैमर एंड सिकल। एक अपन ने लिखा हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, सी ए डबल आर आई ए जी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी लिखाऊंगा तो ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट बाद में लिखाऊंगा, पहले समझना है, पहले समझना अच्छे से, हॉर्स एंड कैरेज। इसके अलावा मैंने कहा और ले लो कि नॉलेज एंड विजडम, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी, नॉलेज एंड विजडम, डब्ल्यू आई एस डी ओ एम। एक मैंने लिखा आप यहां से देखना कि एक सम एंड सब्सटेंस, सम एंड एस यू बी एस टी ए एन सी, सम एंड सब्सटेंस, ठीक है ना। इसके अलावा एक लिख लो बैग एंड बैगेज, बैग एंड बी ए डबल जी ए जी ई, बैग एंड बैगेज। एक लिखो टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। अब देखो इन सबके जो हैं ये सब पेयर्ड हैं, पेयर्ड है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, टू एंड टू, हैमर एंड सिकल। मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे, होते तो और भी हैं लेकिन आपको मैंने लिखे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, आप जैसे रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर को क्या कहते हैं, ब्रेड एंड बटर को रोजी रोटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोजी रोटी कहते हैं ना, रोजी रोटी कमानी है मुझे तो रोजी रोटी को अपन ब्रेड एंड बटर कहते हैं। इसके अलावा राइस एंड करी मतलब आप दाल तो चाल दावल चाल वो चावल दाल कहते हैं, दाल चावल, ठीक है, दाल चावल कह दो, या सामान्य राइस और करी कहते ही इनको। इसके अलावा दो और दो होते हैं, हैमर एंड सिकल, हथौड़ी और रसिया मतलब होता है क्या, हथियार आप कह दो कि औजार, किसान या खेती के औजार, खेती औजार, खेती के औजार, मजदूर, मजदूर के औजार कह दो आप, ये मजदूर के औजार कह दो। ये घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज को क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी। अच्छा इसको क्या कहते हैं, नॉलेज एंड विजडम को, ठीक है ना, बुद्धिमानी व ज्ञान, बुद्धिमानी व ज्ञान, बुद्धिमानी व ज्ञान, बुद्धिमानी व ज्ञान। सम एंड सब्सटेंस यानी क्या होता है, सार तत्व, क्या होता है, सार तत्व। इसके अलावा बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, बोझ भार, क्या होता है, बोझ भार। इसके अलावा टाइम एंड टाइड का मतलब क्या होता है, समय और लहरें, ऐसे ही बोल दो आप इनको नॉर्मली, कि मतलब जो विपरीत समय होता है, विपरीत हालात होते हैं, उनको कहते हैं टाइम एंड टाइड। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे सारे कंपाउंड नाउंस है, और इनके साथ जो वर्ब आएगी, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो अब यहां पर नोट करके लिखिएगा इसके नीचे, इनके नीचे यहां पर नोट करके लिखिएगा, इनके नीचे नोट, एन ओ टी, नोट करके लिखिएगा कि उपरयुक्त सभी नाउंस, उपरयुक्त सभी नाउंस, उपरयुक्त सभी नाउंस कैसे होते मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, उपरयुक्त सभी नाउंस कंपाउंड होते हैं, सी ओ एम पी ओ यू एन डी, कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, होते हैं। अतः इनके साथ, अतः इनके साथ आने वाली वर्ब, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा, हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होगी, सिंगुलर होती है, दिखते प्लूरल है ये, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, दिमाग में सेट कर लीजिएगा भैया, सिंगुलर वर्ब आएगी भैया, दिमाग में सेट कर लीजिएगा अच्छे से, वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर होगी। एक बार कटाक से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा।
एक बार लाइक की संख्या बढ़ाओ भैया, क्या ऐसा मैंने क्या गलत पढ़ा दिया यार? तुम शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक करो इसको, सेशन को। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ऐसे नॉर्मल सेशन नहीं है। आप इसको लाइक किया करो और अपने दोस्तों के बीच में साझा किया करो। लाइक की तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, या तो मतलब डबल बार भी लाइक कर दोगे तो तीसरी बार वो कर देना, अपने आप से ही हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप एग्जाम्पल बताना इसमें क्या होगा। एग्जाम्पल फेमस है, एक ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो यह है, 2 and 2, 2 and 2 - 4। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो याद रखना। मेक बी ऑप्शन है, मेक्स सी ऑप्शन है, मेकिंग और डी ऑप्शन है मेड। ये कहावत है बनी बनाई, तो प्रेजेंट टेंस में आएगी, तो बाकी के दो ऑप्शंस तो डिलीट होंगे भाई, दो ऑप्शंस तो डिलीट होंगे। आप बना के जाओ, बनाते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे साथ साथ। और दूसरा है कि मैंने एक दूसरा और एग्जाम्पल लिख लिया, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं एग्जाम में, है ना? चेंज नहीं होता एक भी शब्द, एक भी शब्द नहीं होता चेंज, नन, वेट फॉर नन या वेट्स फॉर नन, देखना क्या करते हो आप। ये पहला क्वेश्चन में ऑप्शन दिया मैंने वेट, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने वेट्स, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने वेटिंग, और चौथा ऑप्शन दिया मैंने वेटेड, वेटिंग, और फोर्थ ऑप्शन दिया मैंने WAITED, वेटेड, ठीक है ना? ये हो गया। एक मैंने और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हार्ड टू अर्न, हार्ड टू अर्न। मैंने कहा रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। एक तो मैंने ऑप्शन दिया एज, ऑप्शन 2 दिया बॉज, ऑप्शन सी दिया हैज बीन, और ऑप्शन डी दिया मैंने क्या, बर। हाँ अब बताओ या आर ले लो, चलो इनमें बताओ ऑप्शन कौन से होंगे। अब मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, अब देखते कौन देता है, देखते कौन कौन देता है। रामराज, यीशु, अनिल, कृष्णा, मेक्स, वेट्स, इज, ऐसे आंसर आ रहे हैं कुछ, देखिए क्या क्या आ रहे हैं जरा देखना। हाँ बहुत बढ़िया, देखो मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ। 2 and 2 ये फिक्स है, प्रेजेंट टेंस है, और इनडेफिनेट हमेशा मुहावरा है ये, दो दो चार होते हैं मुहावरा, हमेशा चार होंगे, कभी भी गिन लो। ऐसे तो है नहीं कि पहले के जमाने में चार होते थे, आजकल तो 5 होते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है, मेड गलत है, पास्ट में नहीं जाएगा, मेकिंग गलत है, बिना जयमार के नहीं आएगा, और मेक्स और मेक में यहाँ पर डिफरेंस आएगा, तो ये दिमाग में सेट रखना कि सिंगुलर है, तो इसलिए क्या आएगा, मेक्स। इधर टाइम एंड टाइड की बात करें तो ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वेट्स, क्योंकि हमेशा ये जनरल सत्य है, और यहाँ पर क्या आएगा, एज। तो यानी कि तीनों ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर सही है, बिल्कुल। पवन जी का भी आंसर सही है, थोड़ा शांतिलाल जी गड़बड़ कर गए है ना, तो ये अपने आंसर बिल्कुल सही कर लीजिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अभी भी लाइक में कंजूसी है, कुछ लोग तो अभी भी लाइक नहीं कर रहे हैं, ये कंजूसी मिटाओ यार, आपका चार्ज नहीं लगेगा मेरे भाई, कर दो लाइक्स, लाइक्स तो किया करो, आपके जितने लाइक करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। आगे देखिए, मुझे मनोबल मिलता है, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिल जाता है, मैं और मेहनत करने के लिए लड़ाई तो जाता हूँ, लेकिन आप जब नहीं करते हो लाइक, तो ऐसा लगता है यार कि यार अपन मेहनत कर रहे हैं और बच्चा लाइक नहीं कर रहा। बताओ लाइक करो, करो सेशन को तुरंत फुरंत, कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठोक दो लाइक इसके। अच्छा अगला जो है, बिल्कुल सही है शांति जी, बिल्कुल सही है, बढ़िया सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब। ओके अब स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा आपका, बताओ, कॉन्सेप्ट बोलो फटाफट, कॉन्सेप्ट बोलो, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा, तीसरा, कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा, तीसरा, तो हेडिंग डाल दो फटाफट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, CONCEPT, कॉन्सेप्ट नंबर 3, एंड से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो समझोगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, फिर आराम से आप आंसर कर देना। देखो दो चीजें हैं, उससे पहले आपको जानने की जरूरत है, दो चीजें हैं आपको पहले जानने की जरूरत है, मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ। एक तो आपको जानने की जरूरत है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, एक तो आपको जानने की जरूरत है पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो इनकी लिस्ट बना करके नोट डाल सकते हो आप साथ साथ चाहो तो। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आपके होते हैं जैसे माई, हिज, हर, योर, अवर, दियर, इट्स, योर, अवर, देयर, इट्स, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, क्लियर है, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जी। बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल सही है, होते हैं।
आगे देखिए, यहां पर ये हो गया, और बाकी का अपन पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अपन बात करें दूसरा है आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल्स की बात करें, तो यहाँ पर ए एन दा, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, अपन ने पढ़े भी हैं, अन दा का यूज हमने पढ़ा है अच्छे से। तो ये आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स की लिस्ट आप बना लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से लिस्ट बना लीजिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव की, आपने लिस्ट तो बना ली, अब रूल और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए भैया, दो नाउन यहाँ पर आपके एंड से जुड़े हुए हैं, कितने किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। एक नाउन तो आपका ये रहा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है वो? सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ध्यान से सुनना, कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और इधर जो है, इधर भी आपका नाउन कैसा है? सिंगुलर नाउन है, SINGULAR, और फिर ये मैंने नीचे लिख दिया नाउन, सिंगुलर नाउन, इधर भी सिंगुलर नाउन, इधर भी सिंगुलर नाउन। अब डिफरेंस क्या है सर? आपने गैप क्यों छोड़ा है? गैप इसलिए छोड़ा है कि इसमें मैं कुछ भरने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपका आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव पहले से पहले आए और दूसरे से पहले नहीं, भाई आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव पहले से पहले आ रहा है लेकिन दूसरे से पहले नहीं, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, ये दोनों नाउन्स एक ही हैं, तो यहां पर एंड का अर्थ होगा जो कि भी है, मतलब एंड का अर्थ एवं नहीं होगा, जो कि भी है। ऐसी स्थिति में आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर वर्ब। कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके का, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ रहे हो, सिंगुलर वर्ब लगानी है। दूसरा सुन लो कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या है, मान लो कि यहां पर अगर हम देखे, देखो मैंने ये क्या किया, मैंने किसको कॉपी किया जरा देखना, यहां तक सारी चीज कॉपी है, देखो यहां तक सारी चीज कॉपी है, ये मैंने कॉपी की, और यहां अगर हो सकता है संभव तो मैं पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन पेस्ट नहीं होगा, यहां पर लॉक कर दिया, पेस्ट नहीं होगा, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं, ये देखिए आर्टिकल, और ये मैंने लिख दिया पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, यहां पर मैंने लिखा आपका सिंगुलर नाउन, लिख दिया सिंगुलर नाउन, और इसके बाद मैंने लिखा अपन का एंड, एंड लिख करके अपन ने आगे लिया, और आगे यहां पर जो क्रॉस था, अब यहां पर क्रॉस नहीं है, दोबारा आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, दोबारा आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि यहां पर जो ये सिंगुलर नाउन आ रहा है, ये दोनों अलग नाउन हो गए, अब क्या हो गए, ये दोनों अलग नाउन हो गए, पहले तो एक ही थे ये दोनों लोग, और अब ये अलग अलग हो गए, तो ऐसी स्थिति में वर्ब कैसी आएगी? ऐसी स्थिति में मेरे लाडलो वर्ब आएगी आपकी प्लूरल, कैसी आएगी वर्ब? प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान से सुनिएगा, कैसी वर्ब आएगी भैया? प्लूरल वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल, दिमाग में सेट रखना ये, कैसे दोबारा सुन लो कि दोनों साइड सिंगुलर नाउन आ रहे हैं, आ रहे साहब एंड से जुड़ रहे हैं, ठीक है, अब आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव एक से पहले आ रहे, दूसरी से पहले नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे दूसरी से पहले? क्योंकि ये दोनों नाउन एक ही है भाई, एक ही बार आर्टिकल लगा दो दोनों से पहले तो एक ही हो गई, ठीक है ना, और दोनों अलग अलग लगाए हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों ही अलग अलग नाउन है, दोनों ही कैसे नाउन है आपके? अलग अलग नाउन है, दिमाग में सेट रखना आपका, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा, दोनों ही अलग अलग है। जैसे सर समझाओ, कैसे आप समझाना चाह रहे हो बताओ, समझाओ तो बहुत अच्छा है, इसको समझाना आसान है, बहुत आसान है मेरे लिए समझाना इसको, देखो एक मिनट इसको समझा देता हूँ, आप पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख लो इसका, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, क्योंकि अब मैं सवाल डायरेक्ट नहीं पूछूंगा, नहीं चक्कर पड़ जाएगा आपके, मैं आपको पहला तो एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा माई फ्रेंड, FRIEND एंड गाइड, माई फ्रेंड एंड गाइड, और आगे लिख दिया ऑलवेज, ऑलवेज, और ऑप्शन लिखा मैंने आपको सपोर्ट ऑब्लिक सपोर्ट्स मी, सपोर्ट ऑब्लिक सपोर्ट्स मी, SUPPORTS सपोर्ट्स मी, ठीक है ना, ये सपोर्ट्स मी। अब आपको बताए कि ये आप देखो यहां पर कि एंड से जुड़ने वाले जो दो नाउन से, देखो एंड आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड से जुड़ने वाला एक तो फ्रेंड है और एक गाइड है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रेंड से पहले माई दे रखा है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो गाइड से पहले नहीं है, तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति एक ही है, मेरा मित्र जो कि मेरा गाइड भी है, समझ गई मेरी बात, दोनों एक ही है, ये फ्रेंड और गाइड एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सपोर्ट वाली वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सपोर्ट्स। मैं तीन क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा, ध्यान से समझ लो आप पहले इसको, सपोर्ट्स। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा माई फादर एंड माई टीचर TECHER, ठीक है ना, टीचर इज ऑब्लिक आर वेटिंग फॉर मी, कि मेरे अध्यापक और मेरे टीचर मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अब बताओ इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या आएगा, तो सीधा आंसर बिल्कुल बिना कोई टेंशन किए सीधा आंसर क्या है, यहां पर क्या आएगा मेरे लाडलो, यहां पर आएगा क्या? आर, क्योंकि यहाँ पर देख लो टीचर से पहले ही माई आ रहा है और फादर से पहले ही माई आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, क्या हो गए? ये दोनों
अलग अलग हो गए, और दोनों अलग अलग हो गए तो 100% तय है मेरे दोस्त कि यहां पर क्रिया आएगी आर। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, अब कॉन्सेप्ट नंबर तीन आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं किस पर, क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मुझे बढ़िया ढंग से, क्वेश्चन देखता हूं कौन करता हो सही जवाब, तीनों के सही जवाब, तीनों क्वेश्चन के सही जवाब की मैं उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूँ। नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन ऑफलाइन होते तो बताता कुछ, तो देखो बताता तो क्या आपको, मतलब कुल मिला के ये बढ़िया सी डांट लगती, डांट मैं ऑनलाइन में भी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो देखिए अब स्टार्ट करिए, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बढ़िया सी है, प्यारी सी एक्सरसाइज है, ये लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैंने लिखा ए ब्लैक एंड ए वाइट काओ, ए ब्लैक एंड ए वाइट काओ इज ऑब्लिक आर ग्रेजिंग, जी आर ए जेड आई एन जी, ग्रेजिंग देयर। एक तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, मैंने कहा कि माए माए पैट एंड कैट, माई पैट एंड कैट हैज ऑब्लिक ओ हैव जम्प्ड ओवर JUMPD, JUMPD जम्प्ड अपॉन माई स्टमक, जम्प्ड अपॉन माई STOMACH, MACH। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने तीसरा वाला आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार और एक्सीलेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाना बढ़िया वाला A1 तरीके से। हाँ A1 तरीके से एक साथ देना तीनों के, लगा के टाइप करके देख लो, तीनों के एक साथ देना बढ़िया मजा आएगा, तीनों के एक साथ देना। मैंने कहा कि योर योर अंकल एंड फ्रेंड, योर अंकल एंड फ्रेंड हैज ऑब्लिक हैव सेंट यू अ मैसेज, सेंट यू अ मैसेज, या सेंट अ मैसेज टू यू, मैसेज टू यू। चलो इसमें बताऊं दोनों तीनों एग्जांपल्स में क्या आपको दिख रहा है, फटाफट फटाफट बताते जाओ। पहले में आर बता रहे हैं, वेरी गुड, और देखते हैं क्या कर भरते हो आप, पहले में आर, दूसरे में हैज, तीसरे में तो कुछ दिया ही नहीं है रामराज जी, और बताइए यहां पर जल्दी जल्दी से। कुछ लोग लगातार ले रहे हैं पर भी बढ़िया, बिल्कुल आर हैज और हैज ये भरा जा रहा है आंसर। एक में हैव भी डाल दिया, क्या बात है, देखते हैं क्या आंसर आते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट। ओहो आर हैज हैज, चलो देखते हैं एक बार, चेक करते हैं, लेट अस चेक, चेक करते हैं, चेक करने से क्या है सारी चीजें क्या है गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। चलो गिले शिकवे दूर करते हैं, यहाँ पर ब्लैक से पहले आपको ए दिख रहा है तो व्हाइट से पहले भी ए दिख रहा है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो दो गायें हैं, तो दो गायें हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर आ जाएगा ना, आर बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पर पैट से पहले माई दिख रहा है लेकिन कैट से पहले माइन दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरी जो पालतू है, पालतू ही मेरी बिल्ली है, मैंने जो पाल रखा है वो क्या है मेरी बिल्ली है, माई पैट एंड कैट, ठीक है ना। मैं जो बिल्ली है और बिल्ली ये क्या हो गई सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या हो गई हैज, क्योंकि दोनों मिलकर के एक ही है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, अरे यस और नो, यस ओके। अब अगला चीज देख लो, अगला जम्प ओपन और यूर अंकल एंड फ्रेंड दोनों में देख, इधर देखो यूर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या है दोनों एक ही है, तुम्हारे चाचा ही तुम्हारे मित्र हैं जिन्होंने एक मित्र के रूप में तुम्हें लेटर भेजा है, वो क्या हो जाएगा हैज। तो जिन जिन के आंसर्स आर हैज और हैज आ रहे हैं तो वो अपनी अपनी पीठ ठोक लो, वेरी गुड मजा बांध दिया, एक्सीलेंट आंसर्स, सब जवाब गजब, मतलब ये मान लो कि शाबाशी दे लो अपने आप को। और मैं इसी के साथ अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, और आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा एंड वाला। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे भैया, बिना समझे तो कुछ नहीं होगा, आपको समझना तो पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, बड़ा समझना, अच्छे से तरीके से समझना इसको आप। कॉन्सेप्ट नंबर है चार, राइट ना, कॉन्सेप्ट नंबर चार ही है ना आज, हाँ या ना, बोला तो सही, कॉन्सेप्ट नंबर चार है ना, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नंबर चार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ध्यान से याद रखना कि ईच एवरी के साथ जुड़े हुए, साथ साथ लिख सकते हो आप,
ईच एवरी के साथ जुड़े हुए दो या दो से अधिक नाउंस, दो या दो से अधिक, ये चीज आप ध्यान रखना, दो या दो से अधिक। और इसमें अभी तक मैंने जो चीज पढ़ाई है उसमें आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो ये है, ईच एवरी के साथ और दो या दो से अधिक नाउंस, ठीक है ना। तो ईच एवरी के साथ दो या दो से अधिक नाउंस, अधिक नाउंस एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तो वर्ब, तो वर्ब हमेशा, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, रिक्त स्थान छोड़ दिया, बताओ कमेंट करके बताओ फटाफट फटाफट, हमेशा आएगी, कैसी आएगी जल्दी बताओ, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, फटाफट फटाफट बताओ, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, बताना जरा जरा जल्दी जल्दी बताना, बताओ मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप देखता हूं कि कितने लोगों के आंसर आते हैं। ईच, ईच मैन एंड ईच वुमन, ईच मैन एंड ईच वुमन, ईच वुमन has oblique have, has oblique have adopted, adopted this culture, culture, culture of salutation, of salutation, culture of salutation, सलामी या संबोधन के इस कल्चर को अपना चुके हैं। जल्दी जल्दी टाइप करके बताएंगे सिंगुलर के प्लूरल, जल्दी जल्दी। मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा कि एवरी, एवरी बॉय कॉमा एवरी गर्ल एंड एवरी गर्ल एंड ईच टीचर, एंड ईच टीचर वॉज यवर, वॉज यवर, वॉज ऑब्लिक वर इन, इन द कॉलेज यूनिफॉर्म, इन द कॉलेज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स, कॉलेज ने जो यूनिफॉर्म्स तय कर रखी थी उनमें थे वो। अब बताओ क्या लगाने वाले हो आप, प्लूरल वर्ब, और कौन कौन बता रहा है, इधर से शांति जी का जवाब प्लूरल आया है, और बताइए कोई सिंगुलर कोई प्लूरल लगा रहा है। तो एक बार ध्यान से, और दिन था पहले एक काम करो, अगर आपको ये क्या है रूल मैं आपको बहुत बढ़िया बताऊंगा, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप फटाफट लाइक ठोकना, अगर आपको पसंद आ जाए तो फटाफट लाइक ठोकना। और वो क्या है रूल, रूल ये है मेरे दोस्त कि अगर आपको यहाँ पर दो ईच एवरी से जुड़ी हुई दो संज्ञाएं अगर एंड से जुड़ी मिल जाए तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर। तो जो अपना प्लूरल जवाब दे रहे थे वो अपना पीठ ठोकना बंद कर दे, जो जवाब प्लूरल दे रहे थे वो पीठ ठोकना बंद कर दे, मत ठोकना पीठ। देखो यहाँ पर से सबका जवाब प्लूरल आ रहे हैं, गलत कर दिया, गलत कर दिया मेरे दोस्त, गलत कर दिया। वर्ब यहाँ पर कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, कैसी आएगी सिंगुलर। और अगर वीडियो, अगर मेरी ये बात पसंद आ गई, कॉन्सेप्ट पसंद आ गया हो तो आप फटाफट 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 लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, लाइक की संख्या बढ़ाओ। सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, देखो ईच मैन और ईच वुमन दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, ईच एवरी से और एंड से, तो आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है, ये आ जाएगा हैज, क्या आ जाएगा हैज। इधर देखना ईच बॉय एवरी गर्ल एंड ईच टीचर, अब कितनी भी जुड़, तीन जुड़, तीन से ज्यादा जुड़, वर्ब हमेशा कैसी आएगी सिंगुलर आएगी, कैसी आएगी। ओ पवनदीप कौर जी चेंज करो अपने आंसर, यहाँ पर बॉज आएगा, क्या आएगा बॉज। एक बार मीनिंग करके देखते हैं कैसे आएगी सर, बिल्कुल सोनम जी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन मत करो। देखो कैसे आती है, देखो प्रत्येक आदमी और प्रत्येक महिला, ऐसे बोलते हैं अपन, सेंटेंस बोल दो, प्रत्येक आदमी प्रत्येक महिला, हिंदी में बोल रहा हूं मैं ना, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक महिला सलामी या संबोधन की इस संस्कृति को अपना चुका है या अपना चुके हैं, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक महिला अपना चुके हैं, नहीं अपना चुका है या अपना चुकी है, लास्ट वाले से चलता है। जैसे प्रत्येक पुरुष में प्रत्येक महिला इस संबोधन के इस संस्कृति को अपना चुकी है, तो यहाँ पर अपन लास्ट वाले शब्द को लेते हैं जब ईच एवरी की बात चलती है। तो प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक अध्यापक अपनी अपनी कॉलेज यूनिफॉर्म में था, यहाँ पर यूनिफॉर्म में भी मुझे एस हटाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक की बात चल रही है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी यूनिफॉर्म में था। तो ऐसे बोलते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना झंडा रखेगा, प्रत्येक व्यक्ति रखेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर होता है। मैंने कहा प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला, मैंने कहा अपने अपने वस्तुओं का ध्यान रखेगी, ऐसे बोलते रखेंगी, रखेंगे नहीं रखेगी। तो क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आपके दिमाग में समझ में नहीं आती बात, ठीक है ना, लेकिन आपको क्लियर रहेगी ये बात, अब से तुम्हारे दिमाग में सेट रहेंगे। चार कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आपकी क्लास में डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि चारों कॉन्सेप्ट्स आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट था एंड से जुड़ी हुई दो नाउंस का था, फिर इसकी बाद मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट को फिर मैंने थोड़ा सा कंपाउंड नाउंस पे लेके समझाया,
फिर कंपाउंड नाउन्स के बाद हम लोग यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव वाले नाउन पर आए, और यहाँ पर अब अपन ने ईच एवरी पर बातें की। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आज के लिए अपन का ओके। तो अब स्टार्ट करेंगे, कल बाकी की चीजें और रहेगी, कल और परसों दो तीन दिन हमारा ये टॉपिक चलेगा, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मुस्कुरा।